और जैसा कि आप देख रहे हैं, होटल रॉयल सैफ्रॉन में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, लेकिन दादी सारे आतंकवादियों को गिरफ्तार, मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना। क्यों? और ये देखिए द फेमस क्रिकेटर, बंद करिए। जान क्या दी, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? मैं कोई बात कह रही हूँ ना। आई एम सॉरी, मैंने टीवी बंद कर दिया, मेरा सर बहुत दुख रहा था। तेरे सर में दर्द हो रहा? अरे तो फिर जा मुंह हाथ धो ले, उसके बाद मैं तुझे बाम भी लगा दूंगी और तुझे सरदर्द की गोली भी दे दूंगी। मुझे पता है तूने टीवी क्यों बंद किया है। नहीं जानकी आंटी, आप गलत सोच रही हैं। प्रीता बेटा, पर तुझे सुबह कल इतनी जल्दी क्यों उठना है? दादी वो आज जो इंटरव्यू था ना, वो पूरा नहीं हुआ, उसका एक और राउंड है जिसके लिए कल जाना है। अच्छा अच्छा, मैं उठा दूंगी तुझे। और सरला भाई, तू कल सुबह मुझे मंदिर ले चलेगी? नहीं बीजी, मैं कल तो नहीं लेके जा सकती, परसों ले जाऊंगी। कल मुझे वो कुमकुम हॉल का कुछ काम है बीजी। दादी मैं आपको ले जाऊंगी मंदिर कल। तू ले जाएगी पक्का? सही कहते हैं लोग, अंत भला तो सब भला। प्रीता जी के परिवार को इंप्रेस करने के लिए गया था और वो शायद इंप्रेस हो भी गए, और वो मूर्खों की महारानी, फिर से उल्लू बना दिया उसे मैंने। मैंने उसे ये कहा कि मैं प्रीता जी के परिवार को ये कहने के लिए गया था कि आप प्रीता जी की शादी किसी और से करवा लो, और वो शायद मान भी गई। पर मेरी मूर्खों की महारानी, तुम्हें कहां पता? जान लो एक बात कि प्रीता जी की शादी तो मुझसे ही होगी, प्रीता जी के पृथ्वी से। आज तो मुझे बहुत सुकून की नींद आने वाली है। हाय बेबी। बेबी तुम्हें पता है कल क्या है? कल तुम्हारा बर्थडे। बेबी एडवांस में हैप्पी बर्थडे। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ? आर यू मैड? कल मेरा बर्थडे नहीं है। तो कल तो मेरा भी बर्थडे नहीं, तो किसका बर्थडे है कल? You are such an idiot. कल करवा चौथ है और मैं चाहती हूँ कि पिछले साल की तरह तुम ही मेरा व्रत तोड़ो। ओह, तो मेरी लंबी उम्र वाला व्रत है कल। तो एक काम करो ना बेबी, तुम मेरे घर आ जाओ, साथ में मिलके चांद देखेंगे और अपने हाथों से मैं तुम्हारा व्रत भी तोड़ दूंगा। बहुत से पृथ्वी, दैट्स नॉट पॉसिबल। शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है और राखी आंटी चाहती हैं कि हम ये बहुत ही धूमधाम से मनाएं। अब वो तो आउट ऑफ टाउन गई हुई हैं, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी करीना बुआ को दे दी, और करीना बुआ उन्होंने एक ह्यूज लेवल पे मेरे लिए पार्टी थ्रो किया, तो मैं घर से नहीं निकल सकती। मुझे यहाँ लूथरा हाउस के टेरेस पे अपना व्रत तोड़ना है, और वो भी तुम्हारे हाथों से। व्रत तोड़ोगी वो भी मेरे हाथों, वो भी लूथरा हाउस में? बेबी तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा रिस्क ले रही हो? रिस्क ले रही हूँ बेबी, मैं तो रिस्क बन चुकी हूँ, और सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिना रिस्क के क्या मजा। तो कल आ जाना लूथरा हाउस। बाय। ओके बाय। कहीं ये लंबी उम्र वाला व्रत मेरी उम्र छोटी ना कर दे। ऋषभ जी, आप ड्रिंक कर रहे हैं? हाँ, वो छोटा सा पैग है, एक ही। ये ऋषभ आज ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? घर का बड़ा बेटा हूँ, करण का बड़ा भाई हूँ, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। कल शादी के बाद तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना? जी। प्रीता जी का भी पहला करवा चौथ है। ऋषभ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ये पूरे घर को खोलना चाहिए, मेरे परिवार को बोलना चाहिए, पर मुझे बहुत हैरानी है कि कोई बात नहीं कर रहा है इस बात के बारे में।
रीता जी को लेके करण का गुस्सा इतना ज्यादा है ना कि कोई पूरे परिवार में इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। रीता जी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पर करण की शादी तो हो गई है ना प्रीता जी के साथ, तो फिर हमें भी ये शादी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लीजिए। अरे साहब, आपको ये चुनरी चाहिए जिसे आप इतनी देर से देख रहे हैं? ले लीजिए ना अपनी पत्नी के लिए। जब तक तुझे ना देखूं मैं नजर से, ऐसा लगे जिंदगी हो गई। साहब, आपने हमें 500 रुपए दिए थे तो 250 की एक चुनरी आती है और एक मैंने मैडम को दे दी और ये दूसरी वाली आप ले ली। 500 का हिसाब बराबर हो गया। नहीं चाहिए मुझे कोई चुनरी। मैडम, मैडम, ये चुनरी किसी और ने ली है अपनी पत्नी के लिए और इसके पैसे भी दे दिए, अब वापस कर दीजिए ना। अरे वो साहब तो चले गए। तो ये चुनरी मैं रख लूं? पर इसके पैसे तो साहब ने दे दिए हैं और ये तो उनकी पत्नी के लिए है। तो मैं हूं ना, मेरा मतलब है कि अगर वो चुनरी छोड़ गए तो मैं खरीद लेती हूँ। कितने की है? 250 की। ओके। पर मैडम, साहब ने इसका पैसा दे दिया है। तो आप वो पैसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा और ये पैसे रख लीजिए। अरे मैडम देखो, इतनी सारी चुनरियां हैं, हाँ, इसमें से आपको जो पसंद आए ना वो ले लो। अगर वो साहब वापस आए और मुझसे चुनरी मांगी तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? तो आप कह दीजिएगा जिसकी किस्मत में थी उसको मिल गई। ठीक है। अरे बेटा तू यहाँ खड़ी है, मैं तेरा वहां इंतजार कर रही थी। दादी वो मैं बाहर आ गई ऑटो को बुलाने, मुझे लगा आपको ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अरे वो रहा ऑटो। अरे भाई ऑटो वाले रोको, भैया रोको। साहब जी चुनरी ले लो ना अपनी पत्नी के लिए, माता के मंदिर की है। साहब आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हो ना, तो ये ले लो ना चुनरी। इस चुनरी से आपके प्यार में खुशियां भर जाएंगी। ये क्या हो रहा है यार, और इतना क्यों सोच रहा हूँ मैं? उसने ऐसे ही कह दिया होगा ये। आई मीन सामान बेचने के लोगों के तरीके हो सकते हैं ये। उसे अपना सामान बेचना था इसलिए ऐसा बोला उसने, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चुनरी शायद वो माता रानी के चरणों से ही लेकर आई हो। नहीं यार, ले लूं क्या रीता के लिए? ये लड़की मेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं है? हर वक्त उसी के बारे में क्यों सोचता रहता हूं मैं? तू पागल हो जाएगा करण लूथरा। अपना दिमाग अपनी प्रैक्टिस पे लगा, क्रिकेट में लगा, रीता के बारे में सोचना बंद कर।
लेकिन तूने इतनी जल्दी सारा खाना खा लिया। भूख लग रही थी ना, इसलिए मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया था। चल हम लोग सब बाहर खाना खाएंगे ना, तब भी साथ बैठ के थोड़ा सा खाना और खा लेना। चल तू बाहर आ जा, मैं जानकी को बोलती हूँ सबके लिए खाना लगाने के लिए, और तू भी आ जा साथ में। हाँ मैं आ रही हूँ, चलो दोनों फटाफट आ जाओ। दी आज आपने खाना को जल्दी नहीं खत्म कर लिया? तो मैं तो हमेशा जल्दी जल्दी खाती हूँ, तुझे खुद के खाने से फुर्सत मिले तो मेरी तरफ देखे ना। हाँ ये बात तो सही है, जब मैं खाने में बिजी हो जाती हूँ ना तो anyway, मैं बाहर जा रही हूँ, मम्मा के हाथों की खीर चख रहे हैं। बाय। Guys, please. I just need to leave. Thank you. ये तुझे क्या हो गया करण? लड़कियां तेरे पीछे भाग रही हो तू? No. This is not your flavor. Girls. यार, I'm really sorry. मैं किसी से ऐसे बात नहीं करता. But वो क्या है ना, मैं काफी disturb. उस प्रीता ने तूने किसी मैगजीन में पढ़ा है क्या कि करण की लाइफ में प्रीता नाम की कोई गर्लफ्रेंड आई है? नहीं, एनी न्यूज? आई डोंट नो। ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद यू करण लूथरा? तू अजनबियों से प्रीता के बारे में क्यों बात कर रहा है? अब तो प्रीता भी नहीं है तेरे आसपास, तो फिर उसके बारे में क्यों सोच रहा है तू? और फिर क्या हुआ? बस बहुत हो गई कहानियां, मैं डिटेल में थोड़ी ना बताऊंगी कि तेरे दादाजी और मेरे बीच में क्या होता था। हाँ नानी जी प्लीज, नॉट फेयर। हाँ देखिए, इनकी दादी इनको बताए या ना बताए, लेकिन मेरी तो आप क्यूट सी नानी हो ना, मुझे तो बताओ। देखिए प्लीज नानी, और बाय द वे आपने कहा था कि करवा चौथ के दिन आपका और नाना जी का झगड़ा हुआ था। तो क्या आपने गुस्से में आके अपना व्रत तोड़ दिया था? क्या कहीं इसकी वजह से तो आज दादाजी हमारे बीच में नहीं रहे? चल पगली, ऐसी अपशगुन बातें नहीं किया करते। मैं ऐसे थोड़ी ना मानने वाली थी, मैंने अपना व्रत पूरा किया और मेरा रूठना उनके लिए बहुत महंगा पड़ा। जैसे मैंने व्रत खोला ना, तो तेरे दादाजी मुझे मनाने के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा गिफ्ट ले आए। जैसे वो गिफ्ट मेरे हाथ में आया, मेरे चेहरे पे हंसी आई, और गिफ्ट नहीं आता तो हंसी नहीं आती, सिंपल। अच्छा आप सोचो, जस्ट ऐसे इमेजिन करो कि दादाजी अगर नहीं मानते या आपको नहीं मनाते या अपने हाथों से आपका व्रत नहीं तोड़ते या यू नो जैसे चांद के सामने आपके पास नहीं आते, तो आपका व्रत कैसे पूरा होता, मतलब कैसे टूटता? वेरी सिंपल, उनकी तस्वीर देखकर तोड़ लेती। हाँ एग्जैक्टली, वैसे तो मैंने ना ऐसा फिल्मों में देखा है, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो फिल्मों में ही होता होगा ना। अच्छा देख, अब तो ज्यादा मत सोच, जब तेरा पहला करवा चौथ होगा ना, मैं सब बताऊंगी कैसे क्या करना है, कब करना है, ठीक है पुत्र?
पानी पीने जा रही थी, पर रुक क्यों गई? कहीं इसने व्रत तो नहीं रखा है? पर किसके लिए? ओह माय गॉड, कहीं मायरा ने करण भाई के लिए करवा चौथ का व्रत तो नहीं रख लिया? अच्छा, मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? तुम देखना नहीं चाहोगे कि मेरी पहले करवा चौथ पे तुम्हारे दादाजी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया? अभी तक रखा है? ऑफ कोर्स। चलो दिखाती हूँ। कम ऑन। कहाँ है? आ जाओ तुम दोनों भी। आ जाओ। आरे शुभिया। So good to see you। कितना अच्छा लग रहा है तू? बहुत अच्छा, वो तो सही टाइम पे आके। सुन, अब एक काम कर, अब मेरी बहन को ना इससे ज्यादा वेट मत करवाना, वो बहुत भूखी है यार बेचारी। अब एक काम कर, उसको साइड में लेके जा, उसको चांद की अच्छी सी फोटो दिखा और अच्छा सा खाना खिला और उसका व्रत तोड़ दे यार, वरना तेरे को हालत मालूम है ना उसकी क्या हो रही है, देखना उसको। अच्छा, गलत पट्टी पढ़ा रहे हो मेरे दामाद को, है? खुश रहो। मैं गलत पट्टी कोई नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ मजाक कर रहा हूँ मैं, उसको खुद भी थोड़ी ऐसा करने दूंगा। दादी आप भी कमाल करते हो। आज सब है यहाँ पर, सिर्फ प्रीता नहीं है। उसके ना होने से इस पार्टी में एक अजीब सी कमी महसूस हो रही। किसके बारे में सोच रहा है? प्रीता के। मेरा मतलब है ताकि छोटी बहन, लंबी सी सृष्टि, उसके बारे में सोच रहा था। कैसी है प्रीता? भाई कैसी है प्रीता की छोटी बहन वो सृष्टि? अच्छी है, बहुत अच्छी है। मिला तो उससे? प्रीता से? सृष्टि से। हाँ, मेरा मतलब ना नहीं हूँ। करण, समीर यहाँ आना प्लीज। जी बा, चलो चलो उधर। क्या बात है, हम साथ साथ वाली फैमिली बन रही है और मैं यहाँ? कभी नहीं, इस पिक्चर में सबसे पहले तो मैं आती हूँ। जी वो भाभी ने इस करवा चौथ की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मेरी अभी अभी बात हुई भाभी से, पूछ रही थी कि क्या ये तीनों बदमाश तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। मैंने कहा फिलहाल तो नहीं कर रहे, पर मैं अभी पर्सनली आके तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। I want this Karwa Chauth to be the best Karwa Chauth. Of course, Bua. हम लोग हाजिर हैं, बोलिए। Oh, how sweet. Thank you, boys. You must welcome Kareena, Bua. Kareena ji, आपकी parties तो town की best parties होती हैं. You people are simply mind-blowing. Just awesome. Sherlyn और Rishabh की ये पहली Karwa Chauth है ना? I mean, शादी के बाद की. वैसे तो लड़का लड़की शादी से पहले ही रख लेते हैं, एक ट्रेंड सा जो बन गया, यू नो, बट इनकी तो शादी के बाद की पहली है ना। घर में बहू आती है तो कितनी रौनक हो जाती है ना। अब तो आप करण की शादी करवा ही दो। दो बहू है, डबल रौनक। जी नहीं, ना मुझे शादी करनी है और ना ही शादी की बात। थैंक यू। ऋषभ, एक मिनट इधर आना। आई जस्ट कम, जस्ट। करण की शादी भी करवा देंगे, पहले एक अच्छी लड़की तो मिल जाए जो हमारे फैमिली को सूट हो, हमारे स्टेटस को सूट हो, हमारे करण से बहुत प्यार करे, तो फिर हम करण की भी शादी करवा देंगे। बाय द वे, डू नो समथिंग, आज मैंने गिद्दा डांसर्स बुलाए हैं। I just hope वो लोग टाइम पे आ जाएं। रिलैक्स बुआ, वो लोग आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। मैडम, आपका घर आ गया। हाँ। ये लीजिए। थैंक यू। दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना, भूल जाना कि करण और प्रीता को भी मिले थे।
भूल जाना कि कभी तुम मेरी जिंदगी में आई थी। नहीं, मुझे नहीं जाना। तो मेरी खातिर इस करवा चौथ के व्रत को रख ले। व्रत को रखने से पति की उम्र बढ़ जाती है, पर मेरा ये मानना है कि इस व्रत को रखने से सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, रिश्तों की उम्र बढ़ जाती है, दिल के तार जुड़ जाते हैं, सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। अगर उनकी बात में जरा भी सच्चाई है तो फिर तो मुझे ये व्रत पूरा करना चाहिए, मुझे अंदर जाना चाहिए। लेकिन लेकिन जब वो मुझसे पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगी? और अगर मेरे कुछ बोलने कहने से पहले ही करण ने मुझे देख लिया तो वो तो पता नहीं क्या करेगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि व्रत भी पूरा हो जाए और उसे पता भी ना चले? दादी, वो मैंने आपको बताया था ना कि जो इंटरव्यू होना था वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसका एक और राउंड रहता है, बस उसी के लिए जा रहे हैं। सभी करवा चौथ के व्रत के वक्त लाल चुनरी पहनते हैं, लेकिन ये दी के कबर्ड में क्या कर रही है? उसका मतलब ये बात है। क्या बात है? कुछ नहीं दादू, वो मुझे ना मेरी दोस्त के घर पे अर्जेंटली जाना है, तो मैं मम्मा से कहना कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, मेरा इंतजार ना करें। अजीब फरफरी लड़की, आने जाने का कुछ पता ही नहीं लगता। Excuse me, guys. ऑटो, ऑटो, ऑटो। तो नहीं, सृष्टि, समीर बोल रहा हूँ। अरे मुझे पता है तुम समीर बोल रहे हो, मैं तो ऑटो रोक रही थी। अच्छा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रही हूँ, और बीच में नहीं बोलना। मैं लूथरा हाउस आ रही। तुम लूथरा हाउस आ रही हो? एक मिनट भैया, एक मिनट रुको, आगे से लेफ्ट लेना। अरे सृष्टि, मुझे घर से निकलवाने का इरादा है क्या? तुम यहाँ होगी ना, मैं फंस जाऊंगा। क्या कहा तुमने? एक्सक्यूज मी, मुझे ना तुम्हें फंसाने का मुझे कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें फंसाने आ रही हूँ। अरे तो फिर यहाँ पर क्यों आ रही हो? देखो, यहाँ बहुत सारे गेस्ट हैं, करवा चौथ की पार्टी चल रही है। एग्जैक्टली, करवा चौथ। तुम्हें पता है तीने करण सर के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन दी घर से ये बोलकर निकली है कि वो इंटरव्यू के लिए जा रही है। मुझे पता है वो झूठ बोल रही है, क्योंकि मैंने वो रेणुका शर्मा का फोन उठाया, उन्होंने कहा कि दी का इंटरव्यू दिवाली के दिन होना है। दी इंटरव्यू का बहाना बनाकर घर से निकली है। तो मैं भी तुम्हारे घर के लिए निकल रही थी कि मैंने सोचा कि जो मेरा डाउट है वो क्लियर कर लूं। एक्चुअली क्या है ना, आज मम्मा दी को खाना खिला रही थी, अमीन लिटरली अपने हाथों से नहीं खिला रही थी, बट दी के लिए खाना ले गई और दी ने कहा कि उन्होंने खाना खा लिया है, तो हम सबको लगा कि उन्होंने खाना खा लिया है। बट अगर उन्होंने खाना खा लिया है तो वो व्रत कैसे रख सकती हैं? बस ये डाउट क्लियर करने में उनके रूम में गई। यहाँ तो खाना नहीं है, मतलब दी ने खाना खा लिया और मैं भी ना। खाना तो यहाँ पर है, इसका मतलब थी? Exactly, सैमी, वो बेड के बाजू में वो साइड टेबल नहीं होता, उसके ड्रॉअर के अंदर मैंने पूरा खाना देखा, वो खाना वहीं पे पड़ा हुआ था। तब मुझे रियलाइज हो गया कि दीने झूठ बोला है। दीने करण सर के लिए व्रत रखा है, तो ऑफ कोर्स करण सर के लिए व्रत रखा है तो करण सर के हाथों से ही तोड़वाएंगी ना। आई एम डैम श्योर दी लूथरा हाउस गई है, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे आ रही हूँ उनको रंगे हाथों पकड़ने। मुझे दी से ये पूछना है कि अगर उनके दिल में करण सर के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो वो बयां क्यों नहीं करती है, वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करती है, वो कुछ बोलती क्यों नहीं है करण सर को, या हमें सबको कंफ्यूज करके रखा है उन्होंने? जब पूछोगे तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा है ना वैसा है, पूरा कंफ्यूज करके रखा है, खुद भी उल्लू बनती है और हमें भी उल्लू बनाती है। अरे सृष्टि, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। चलो अच्छा है, करवा चौथ के दिन इन दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। सृष्टि, वैसे अगर प्रीता यहाँ पर आई है, मैं दिखाई देनी चाहिए ना, वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। करण भाई भी कहीं नजर नहीं आ रहे,
कहाँ जा सकते हैं दोनों? कब? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों घर के कोने में कहीं छुप कर रेस लगा रहे हो? ओए हेलो, तुम उनको देखकर शुरू नहीं हो जाना, मेरे आने का वेट करना, हम साथ में मिलके बैठ के बात करेंगे। ये दोनों छिप छिप के कुछ नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं, इनके इश्क को सबके सामने लाना ही पड़ेगा सामी, समझे? ओके सिस्टी, आ जा, आई विल वेट फॉर यू। मैं पहुंच रही हूँ, चलो बाय बाय। सिस्टी को बुला तो लिया पर अगर उसे किसी ने देख लिया ना फिर मैं नहीं दिखूंगा इस घर में। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं खुद ही ढूंढ लूं प्रीता को। सही समय है, सही मौका है और शायद ऐसा मौका दोबारा मुझे कभी ना मिले। अब मैं यहाँ आई हूँ तो महेश अंकल से मिलकर ही जाऊंगी।